बिहार में सभी भाजपा के नेता आकर प्रचार कर रहे हैं और हम 40 की 40 सीट जीते। ये ममता बनर्जी नहीं है कि मुसलमानों को तुष्टिकरण के चक्कर में आरक्षण दे दो। ये लालू प्रसाद जी का राज नहीं है कि मुसलमानों को तुष्टिकरण के चक्कर में आरक्षण। लालू यादव बिहार के यादव सहित सभी पिछड़े और सनातनियों को मुस्लिम आरक्षण दे करके हिंदुओं पर प्रहार कर रहे हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, देख रहे हैं आप सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। तेजस्वी यादव के द्वारा प्रशांत किशोर को बीजेपी का एजेंट बताया गया, जिसके बाद से सियासी हलचल काफी तेज है। राजनीतिक गलियारों से तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, तो वहीं इस कड़ी में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की प्रतिक्रिया सामने आई है। आपको बताते चले कि लालू प्रसाद यादव और राहुल गांधी पर जबरदस्त हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं गिरिराज सिंह, और कहते हुए नजर आ रहे हैं कि 4 जून के बाद से नमाज पढ़ते हुए नजर आएंगे लालू प्रसाद यादव, तो वहीं राहुल गांधी 4 जून के बाद से किसी टूरिस्ट प्लेस पर नजर आएंगे। तो इसी क्रम में बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की भी प्रतिक्रिया सामने आई, साफ तौर पर लालू प्रसाद यादव पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं और कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इस बार हम लोग बिहार में 40 की 40 सीटों पर जीत हासिल करेंगे। इसी के साथ साथ मुसलमान आरक्षण को लेकर किस तरीके से लालू प्रसाद यादव निशाना साधते हुए नजर आ रहे सम्राट चौधरी, पहले आपको वो सुने। अरे तो भाजपा के नेता है ना, भाजपा के नेता बिहार में आएंगे कि नहीं आएंगे? ये कोई बिहार कोई गुलाम थोड़े है। बिहार में सभी भाजपा के नेता आकर प्रचार कर रहे हैं और हम 40 की 40 सीट जीते। ये ममता बनर्जी नहीं है कि मुसलमानों को तुष्टिकरण के चक्कर में आरक्षण दे दो। ये लालू प्रसाद जी का राज नहीं है कि मुसलमानों को तुष्टिकरण के चक्कर में आरक्षण। लालू यादव बिहार के यादव सहित सभी पिछड़े और सनातनियों को मुस्लिम आरक्षण दे करके हिंदुओं पर प्रहार कर रहे हैं। हार के डर से अब आने वाले दिन में ये कहीं आपको 4 तारीख को नमाज पढ़ते हुए दिखेंगे और राहुल गांधी कहीं टूरिस्ट प्लेस देखेंगे। एनडीए के दिग्गज नेताओं ने जबरदस्त हमला बोला है आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर। साफ तौर पर गिरिराज सिंह कहते हुए नजर आए कि 4 तारीख के बाद लालू यादव नमाज पढ़ेंगे, तो वहीं राहुल गांधी किसी टूरिस्ट प्लेस पर नजर आएंगे। इसी के साथ साथ मुसलमान आरक्षण को लेकर भी लालू प्रसाद यादव को घेरते हुए नजर आए सम्राट चौधरी, और कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ये लोग तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं। इसी के साथ साथ तमाम मुद्दों को लेकर क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे थे गिरिराज सिंह और सम्राट चौधरी, सुना आपने। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। तमाम जानकारी के लिए बने रहे सिटी पोस्ट लाइव के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।